नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारो यूट्यूब चैनल ने अंदर। धोरण आठ ने अंदर विज्ञान विषय में पाठ बीजो आवे छे, सूक्ष्म जीवो मित्र ने शत्रु। तो आ पाठ ने लगता जे कई मोटा प्रश्न जवाब है, ये मुद्दासर प्रश्न जवाब है, एमने अहीं आपणे चर्चा करशू, साथ तफावत वैज्ञानिक कारण ने जोड़का पण जोवाना छे। तो विडियो अंत सुधी जोजो, विडियो गमे तो लाइक करजो ने तमारा मित्रों पण शेर करजो। साथ आग बीजा नाना प्रश्न ने टूंक में उत्तरना विडियो है मुकाई गया है, एना जो लो तो ते जो लो। ऊपर चेनल में प्लेलिस्ट में जाजो, प्लेलिस्ट में जासो त्या तमने स्टैंडर्ड एट साइंस प्लेलिस्ट जो मैसे एम आवा बता स्वाध्याय विशेष प्रश्नोत्तर विडियोस है दरेक पार्ट ने लगता, ये न जो लो तो ते जो लो। आना परीक्षा में आवा अलग अलग प्रश्न जो पूछाता हुए मोस्ट टाइम भी प्रश्नों तो जोता रहो और ज्ञान में वारो करता रहो। जी हमें प्रश्न सात में वैज्ञानिक कारण आप समझाओ। पहले वैज्ञानिक कारण है सूक्ष्मजीव सजीव मित्र तेम दुश्मन कहवाये। तो जवाब लखी सकी कि सूक्ष्मजीव मनुष्य ने अन्य सजीवों ने घनी रीते उपयोगी है। तो दूध में दही बनावा, इडली ने ढोसा बनावा, आथो लावा, एंटीबायोटिक्स दवाओ बनावा, वैज्ञानिक संशोधनों में उपयोगी है। केटलाक सूक्ष्मजीव सजीवों में मलेरिया, कोलेरा, क्षय, टाइफॉइड, पोलियो जेवा रोग पैदा करे, आम ते हानिकारक पण छे। तेथी सूक्ष्मजीव उपयोगी तेमज हानिकारक होय तेमने सजीवना मित्र तेमज दुश्मन कहेवाय छे। बीजू कारण छे बेक्टेरिया सर्वव्यापी छे। तेनो जवाब लखी शकीए कि बेक्टेरिया जमीन पर, जमीन में, पाणी में, हवा में तेमज सजीवोना शरीर में जोवा मळे छे। हिमाच्छादित प्रदेशों में, रण प्रदेश में पण बेक्टेरिया उपस्थित छे। पृथ्वी पर एवं कोई स्थान नथी ज्यां बेक्टेरिया न होय। आथी बेक्टेरिया सर्वव्यापी छे एम कहेवाय छे। त्रीजो वैज्ञानिक कारण छे वायरस ने सजीव निर्जीव ने जोड़ती कड़ी कहे छे। तेनो जवाब लखी सके कि वायरस कोई जीवित कोष में प्रवेशीने ज वृद्धि पामी सके छे। मुक्त स्थिति में वायरस कोईपण जैविक क्रियाओं दर्शाता नहीं, एटले के कोईपण सजीवनी अंदर जाए ने पछी जे वायरस छे एक्टिव थाय, बराबर। बाकी बहार वायरस कहीं नथी करी सकता, आम वायरस निर्जीव छे। वायरस ने योग्य यजमान कोष मळे एटले के कोईपण सजीव मळे तो तेमां प्रवेशीने यजमान कोषना विविध द्रव्यों उपयोग करी अने पोताना जेवा नवा वायरस पोते बनावी दे छे। आ रीते यजमान कोष में जैविक क्रिया दर्शावी तेवो सजीवनी जेम वर्ते छे। आम वायरस छे निर्जीव अने सजीव बन्नेना गुणधर्म दर्शावता होवाथी वायरस ने सजीव निर्जीवने जोड़ती कड़ी कहेवाय छे। चौथुं छे लील स्वयंपोषी सजीव छे। तेनो जवाब लखी सके कि लीलना कोषों में क्लोरोफिल नामना रंजक द्रव्य होय छे। सूर्यप्रकाश की हाजरी में क्लोरोफिल की मदद थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा लील कार्बनिक द्रव्यो छे उत्पन्न करे छे अने आ कार्बनिक द्रव्यों ते खोराक तरीके उपयोग करे छे। लील जाते पोतानो खोराक बनावती होवाथी ते स्वयंपोषी सजीव छे, बराबर। पांचमुं छे रोगचाळो चालतो होय त्यारे पाणी उकाळीने पीवुं जोईए। तेनो जवाब लखी सके कि रोगचाळो चालतो होय त्यारे दर्दीना कपड़ा, वासण, मलमूत्र, उल्टी वगैरह मार्फते रोगना सूक्ष्मजीवों जड़ाशयों पाणी में दाखल थाय छे। आथी जड़ाशयों पाणी दूषित बने छे। आवुं दूषित पाणी पीवाथी रोग लागू पड़े छे। पाणीने उकाळवाथी तेमां रहेला रोगना सूक्ष्मजीवोनो नाश थाय छे। आथी रोगचाळो चालतो होय त्यारे पाणीने उकाळीने पीवुं जोईए। छठो प्रश्न छे खोराक हमेशा ढांकेलो राखवो जोईए। तेनो जवाब लखी सके कि बाकी रोगकारक सूक्ष्मजीवोना वाहकनुं कार्य करे छे। ते हेठवाळ प्राणीओना मळ, रोगीना झाड़ा, उल्टी वगैरह पर बेसे छे। तेना शरीर पर अने पग पर रोगकारक सूक्ष्मजीवो चोटी जाय छे। ते ढांक्या वगरना खोराक पर बेसे छे त्यारे रोगकारकोनुं स्थानांतरण थाय छे। अने आवो दूषित खोराक स्वस्थ व्यक्ति खाय छे त्यारे तेनी बीमार पड़वानी शक्यता वधी जाय छे। तेथी खोराक हमेशा ढांकेलो राखवो जोईए। सातमो प्रश्न छे नाना बाळकोने पोलियोनी रसी आपवी जरूरी होय छे। तेनो जवाब लखी शके कि नाना बाळकोमां रोग प्रतिकारक शक्ति ओछी होय छे। पोलियोने कारणे व्यक्ति कायम माटे अपंग बनी जाय छे। पोलियोनी असर थया पछी दवाथी पण पोलियो मटाडी शकतो नथी अने दर्दीनी स्थिति दयाजनक बनी जाय छे। બાળકોને પોલિયોની રસી પીવડાવવાથી તેમને ભવિષ્યમાં પણ પોલિયો થવાની સંભાવના રહેતી નથી। આમ પોલિયોની રસી પોલિયોના રોગ સામે રક્ષણ આપે છે, તેથી બાળકોને પોલિયોની રસી આપવી જરૂરી છે। પ્રશ્ન નંબર આઠમો છે તફાવત આપો, એમાં પહેલો તફાવત છે યીસ્ટ અને મોલ્ડ।
तो ईस्ट में पेलू लखी सके ईस्ट एक कोषीय फूग है, मोल्ड बहुकोषीय फूग है। ईस्ट में बीजो आवशे ते ऑक्सिजन वगर तेमज ऑक्सिजन की हाजरी में जीवन टकावी सके छे। मोल्ड में आवशे तेने जीवन टकावी राखवा माटे ऑक्सिजन की जरूर पड़े छे। ईस्ट में त्रीजो आवशे ते फायदाकारक फूग है, जरे मोल्ड में त्रीजो आवशे ते मोटा भागे हानिकारक फूग है। बीजो प्रश्न है फूग अने लील, तो फूग में पेलो आवशे फूगना कोष में क्लोरोफिल के अन्य रंजक द्रव्य कणों होता नहीं। लील में पेलो आवशे लीलना कोष में क्लोरोफिल के अन्य रंजक द्रव्य कणों होय छे। फूग में बीजो आवशे ते घणुं खरुं सफेद होय छे, लील में बीजो आवशे ते लीला रंगनी अथवा तो विविध रंगी होय छे। फूग में त्रीजो आवशे ते परावलंबी छे, लील में त्रीजो आवशे ते स्वावलंबी छे। त्रीजो प्रश्न छे वायरस अने बेक्टेरिया, वायरस में पेलो आवशे वायरस अति सूक्ष्म होवाथी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वड़े जोई शकाय छे। बेक्टेरिया में पेलो आवशे बेक्टेरिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शक वड़े जोई शकाय छे। वायरस में बीजू ते कोषीय शरीर रचना धरावता नथी, बेक्टेरिया में बीजू ते कोषीय शरीर रचना धरावे छे। वायरस में त्रीजू ते मनुष्य माटे हानिकारक ज छे, बेक्टेरिया में त्रीजू ते मनुष्य माटे फायदाकारक तेमज हानिकारक छे। प्रश्न नंबर 9 में वर्गीकरण करवानो छे, जेमां पहेलू छे नीचेना सूक्ष्मजीवों बेक्टेरिया फूग लील अने प्रजीव में वर्गीकरण करो। तेना जवाब में बेक्टेरिया छे एमां क्या आवशे बेक्टेरिया लेक्टोबेसिलस राइजोबियम ने स्विडोमोनास। फूग में क्या आवशे तो के पेनिसिलियम ईस्ट ने म्यूकर। लील में क्या आवशे स्पायरोगायरा एना बीना ने नोस्टॉक। प्रजीव में क्या आवशे पेरामिशियम अमीबा ने प्लाज्मोडियम। બીજો પ્રશ્ન છે નીચેના રોગોનું બેક્ટેરિયાથી થતા વાયરસથી થતા પ્રજીવથી થતા અને ફૂગથી થતા રોગોમાં વર્ગીકરણ કરો. તેનો જવાબ લખી શકીએ કે બેક્ટેરિયાથી થતા રોગો એમાં કોલેરા ટાઇફોઇડ ક્ષય ન્યુમોનિયા, વાયરસથી થતા રોગો તેમાં આવશે પોલિયો કમળો ઇન્ફ્લુએન્ઝા અને છબડા, પ્રજીવથી થતા રોગો તેમાં આવશે મરડો મેલેરિયા, ફૂગથી થતા રોગો તેમાં આવશે દાદર ખસ. પ્રશ્ન 10માં છે વિભાગ એની સામે વિભાગ બીની હવે જોડકા જોડતા જવાના છે. તો પહેલું છે રસી, રસીની અંદર શું આવશે એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરે છે તો પહેલામાં ડી. બીજું છે એન્ટીબાયોટિક્સ તો એ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન એન્ટીબાયોટિક્સ છે તો બીજામાં આવશે એ. ત્રીજું વાયરસ તો વાયરસ છે સજીવ નિર્જીવને જોડતી કડી છે તો ત્રીજામાં આવશે ઈ. ચોથું પ્રજીવ, પ્રજીવમાં આવશે અમીબા તો ચોથામાં બી. બીજું જોડકો છે વિભાગીય સામે વિભાગ બી જોડતા જઈએ. પહેલું છે સિંબીકુળની વનસ્પતિ તો એના જવાબમાં આવશે રાઇઝોબિયમ પહેલામાં ડી. બીજું છે દૂધ, દૂધમાં આવશે પેસ્ચ્યુરાઇઝેશન તો બીજામાં સી. ત્રીજું છે પ્રિઝર્વેટિવ્સ તો પ્રિઝર્વેટિવમાં આવશે સોડિયમ બેન્ઝોએટ તો ત્રીજામાં આવશે એ. ચોથું છે બીસીજીન રસી તો બીસીજીન રસી ક્ષય રોગ સામે રક્ષણ આપે તો ચોથામાં બી. પ્રશ્ન 11માં છે મુદ્દાસર ઉત્તર આપવાના છે, જેમાં પહેલું છે ટૂંક નોંધ લખો નાઇટ્રોજન ચક્ર. તો વાતાવરણમાં 78% નાઇટ્રોજન વાયુ છે, પ્રાણીઓ વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનનો સીધે સીધો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તેના માટેની તમે આકૃતિ જોઈ શકો છો. પહેલાં તો જમીનની અંદર જે નાઇટ્રોજનના સંયોજનો છે ભૂમિમાં, બરાબર, એ વનસ્પતિઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાઈ જાય છે અને પછી પ્રાણીઓ વનસ્પતિ એ વનસ્પતિને ખાય છે, બરાબર. પછી પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામે એટલે મૃતદેહ અને ઉત્સર્જન દ્વારા એ નાઇટ્રોજનનો કચરો પાછો ક્યાં આવી જાય, જમીનમાં આવી જાય. પછી જમીનમાં રહેલો નાઇટ્રોજન છે બેક્ટેરિયા એવા પ્રકારના છે જે નાઇટ્રોજનયુક્ત સંયોજનોમાંથી નાઇટ્રોજનને વાયુમાં ફેરવી દે છે, એટલે વાતાવરણમાં એ નાઇટ્રોજન એવો. પછી એ વીજળીના ચમકારા દ્વારા નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન પાછું જમીનમાં થાય અને એ વાતાવરણમાં રહેલો નાઇટ્રોજન છે એ નાઇટ્રોજન સ્થાપક બેક્ટેરિયાને નિર્લરિત લીલ દ્વારા વાતાવરણીય નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન થાય અને બેક્ટેરિયા દ્વારા એ સ્થાપિત નાઇટ્રોજનનું ક્ષારોમાં રૂપાંતરણ થઈ અને જમીનમાં પાછો નાઇટ્રોજનના સંયોજન સ્વરૂપે આવી જાય. તો આ રીતને આપણે આકૃતિ દોરી શકીએ નાઇટ્રોજન ચક્રની. જવાબ લખી શકીએ કે ભૂમિમાં રહેલ નાઇટ્રોબિયમ અને એઝોટોબેક્ટર બેક્ટેરિયા તથા એના બીના અને નોસ્ટોક પ્રકારની નિર્લરિત લીલ વાતાવરણમાં રહેલ નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરીને જરૂરી નાઇટ્રોજન ક્ષારોમાં રૂપાંતર કરે છે. આકાશમાં વીજળીનો ચમકારો થાય છે તે વખતે વાતાવરણનો નાઇટ્રોજન વાયુ નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. તે વરસાદના પાણીમાં ઓગળી જમીન પર આવે છે અને જમીનમાં નાઇટ્રોજનના સંયોજનો બનાવે છે. જ્યારે નાઇટ્રોજન આવા ક્ષારોમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે ત્યારે વનસ્પતિ તેનો ઉપયોગ ભૂમિમાંથી મૂળતંત્ર દ્વારા કરે છે.
त्यारबाद शोषायेल नाइट्रोजन उपयोग प्रोटीन तेमज अन्य संयोजनों संश्लेषण माटे करे छे। वनस्पतिओ पर आधार राखता प्राणीओ तेमाथी प्रोटीन तेमज अन्य नाइट्रोजन संयोजनों प्राप्त करे छे। वनस्पतिओ तेमज प्राणीओना मृत्यु बाद भूमिमां हाजर बेक्टेरिया तथा फूग नाइट्रोजन उत्सर्ग द्रव्यो ने नाइट्रोजनना संयोजनोमां परावर्तित करे छे, जे वनस्पति द्वारा पुनः उपयोग में लेवाय छे। केटलाक विशिष्ट प्रकारना बेक्टेरिया नाइट्रोजन युक्त संयोजनोने नाइट्रोजन वायु में रूपांतरित करे छे, जे वातावरण में पाछो फरे छे। परिणामे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग जळवाई रहे छे। आ रीते नाइट्रोजन चक्र चालिया करे छे। ने बीजी मुद्दासर उत्तर में टूंक नोंध आपेली छे। मुद्दासर उत्तर बीजा प्रश्न है, टूंक नोंध लखवानी छे खाद्य पदार्थों की जाळवणीनी पद्धतिओ। तो खाद्य पदार्थों ने तेमनुं पोषण मूल्य जळवाई रहे ते रीते सूक्ष्मजीवोनी वृद्धि अटकावी तेने बगड़ता अटकाववा तेने खोराकनी जाळवणी कहेवामां आवे छे। तेमां पद्धतिओ कई कई आवशे? तो एमां आवशे रासायणिक पद्धति। तो खोराकमां सूक्ष्मजीवोनुं आक्रमण अटकाववा केटलाक रासायणिक पदार्थों जेवा के सोडियम बेन्जोएट अने सोडियम मेटाबाई सल्फाइड वपराय छे। तेओ अथाणाने साचववा तथा फळोना जाम अने रसने बगड़ता अटकावे छे। पछी आवशे मीठा द्वारा जाळवणी। तो मीठानो उपयोग करीने केरी आंबळा आंबली मांस अने माछलीनी जाळवणी माटे थई शके। पछी शर्करानी मददथी जाळवणी, तो एमां जाम जेली फळोनो रस तथा केटलीक मीठाईनी जाळवणी ખાંડની ચાસણીના માધ્યમથી શર્કરા વડે કરવામાં આવે છે, અને તે ભેજનું પ્રમાણ ઘટાડીને બેક્ટેરિયાની વૃદ્ધિને નિયંત્રિત કરી શકાય છે। પછી તેલ અને વિનેગર દ્વારા જાળવણી, તો તેલ અને વિનેગરનો ઉપયોગ અથાણાને બગડતા અટકાવવા માટે કરવામાં આવે છે। બેક્ટેરિયા તેમની હાજરીમાં મૃત્યુ પામે છે। શાકભાજી ફળ માછલી તથા માંસની જાળવણી આ પદ્ધતિથી થાય છે। પછી આવશે ગરમી તેમજ ઠંડીની સારવાર। तो दूध ने गरम करीने पछी फ्रीज में राखी बगड़तु अटकावाय छे। खोराक ने पण फ्रीज में मूकी सूक्ष्मजीवोनी वृद्धि अटकावाय छे। पछी आवशे संग्रह अने पेकिंग। तो सूको मेवो फळोनो रस मुरब्बो तथा शाकभाजीने हवाचुस्त बंद पेकेट में साचवामां आवे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हता अलग अलग मोटा प्रश्नना जवाबो, जे आवनारी परीक्षामां पण तमने उपयोगी थशे। वीडियो गमे तो लाइक करजो और तमारा मित्रों पर वीडियो शेर करजो। साथ चेनल ने सब्सक्राइब न करी हो तो चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब कर लेजो और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजो। नवा नवा चेनल पर वीडियोस मुकाता रहे, जोता रहो, ज्ञान में वधारो करता रहो। आवा बीजा पण वीडियोस घणा छे, ऊपर प्लेलिस्ट में जाशो त्यां तमने स्टैंडर्ड 8 साइंस नू नीचे प्लेलिस्ट जोवा मळशे, जेमां बीजा पाठ अने अलग अलग स्वाध्याय विशेष प्रश्नोत्तर जोवा मळशे। तो जोता रहेजो वीडियो, ज्ञान में वधारो करता रहो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केर।